नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है इसराइल से। जी हाँ दोस्तों, इसराइल ने कुछ ऐसा कर दिया है कि उससे पता लगता है कि इसराइल अपने नागरिकों के प्रति कितना संवेदनशील है। वो अपने नागरिकों के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उनके नागरिकों को खरोंच भी आ जाती है तो दूसरे देश के अंदर वो घुसकर मारते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको ऐसी ही एक खबर मैं बताता हूँ। क्या है कि अभी कुछ दिनों पहले इसराइल की जो राजधानी है तेल अविव, वहाँ पर एक अटैक हुआ था। ड्रोन से अटैक किया गया था और ये अटैक किया था यमन में जो टेररिस्ट ग्रुप है हूती रिबल्स का, उन्होंने किया था अटैक, और जिसको इसराइल का डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया था। इसकी वजह से वहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल हो गए थे। अब ये सोच लीजिए कि वो जो एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, उसकी वजह से इसराइल ने उसका बदला लिया, और वो बदला ऐसा लिया कि उसने अपने F-35 जो फाइटर जेट हैं, स्टेल्थ फाइटर जेट हैं ये, इसको भेज दिया यमन के अंदर, और यमन के अंदर ये फाइटर जेट गए और इनके बंदरगाह को पूरी तरह से नस्त नाबूद कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया, और उसमें करीब 6 लोगों की मौत भी हो गई है। दोस्तों, इसराइल से यमन जहां पर अटैक किया है उसकी दूरी करीब 1800 किलोमीटर है। इसराइल के लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करती, और इसराइल ने इसके बाद फिर एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया कि ये जो मैंने अटैक किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए अटैक किया है कि इसराइल के ऊपर अगर कोई भी आँख उठाकर देखेगा या उसके नागरिकों के ऊपर आँख उठाकर देखेगा तो इसराइल ऐसे ही बदला लेगा। और इसराइल ने, ये सोचिए, यमन के अंदर जो ये अटैक किया है, ये पहली बार अटैक किया है। इससे पहले यमन के अंदर इसराइल ने कभी भी अटैक नहीं किया था। जैसे आपको देखने को मिलेगा, इसराइल दूसरे और कंट्रीज़ में अटैक कर चुका है, लेबनान वगैरह में तो करता ही रहता है, लेबनान हो गया। इसके बाद अगर बात करें ईरान की, तो वहाँ भी इसराइल ने अटैक किया है, लेकिन यमन में नहीं किया। और ये अटैक जो किया गया है, इसमें यूएस का डायरेक्टली तो कोई साथ नहीं दिखता है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि इनडायरेक्ट वे में यूएस ने कुछ सपोर्ट किया हो, जैसे कुछ इनपुट दे दिया हो, इंटेलिजेंस इनपुट, कुछ और ज़्यादा डिटेल में लोकेशन वगैरह के बारे में बताया हो, इस तरह का हो सकता है कि सपोर्ट किया हो, लेकिन डायरेक्ट कोई सपोर्ट नहीं किया है। और इस पे जो भी किया है, ये इसराइल ने खुद अपने दम पर किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो हूती रिबल्स हैं, ये जो आतंकवादी हैं, इनके इस बंदरगाह पे ही क्यों इसराइल ने अटैक किया? ये बंदरगाह पे सिर्फ इसलिए अटैक किया है कि इसराइल का कहना है कि हूती रिबल्स को इसी बंदरगाह से सामान सारा हथियार मिलता है ईरान के द्वारा, और अब जब ये बंदरगाह इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है तो अब इनकी सप्लाई कहीं ना कहीं कट हो गई है, तो अब इतनी आसानी से अब हथियार नहीं मिलेंगे हूती रिबल्स को। और हूती रिबल्स जो हैं, इनको यूएस ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। अब ये जो हूती रिबल्स हैं, इन्होंने परेशान कर रखा है लोगों को, कई कंट्रीज़ हैं इनकी वजह से व्यापार सही से नहीं कर पा रहे हैं। ये रेड सी से जो आते हैं, जो भी शिप्स, ये उस पर अटैक कर रहे हैं। इवन कई ऐसे देश हैं जो जिनकी, मतलब इन्होंने शिप उड़ा दी पूरी की पूरी, इतना ज़्यादा नुकसान पैदा कर दिया। अब दोस्तों, किसी भी देश का अगर नुकसान होगा तो बनी बात है उस रास्ते से कोई क्यों जाएगा, दूसरे रास्ता लेगा। तो जब दूसरे रास्ते से आ रहे हैं तो उसकी वजह से समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, कीमत भी ज़्यादा लग रही है, तो इससे दूसरे देशों को नुकसान हो रहा है, और सिर्फ इन हूती रिबल्स के कारण। अब इनसे, इनके ऊपर अटैक बराबर हो रहे हैं। इससे पहले यूके ने भी अटैक किया, यूएसए ने भी कई बार अटैक किया, लेकिन ये लोग मानने को रेडी नहीं है। और इनका कहना है कि इसराइल से जुड़ी हुई कुछ भी ऐसी चीज़ होगी, सिर्फ वगैरह कुछ भी, तो ये लोग अटैक करेंगे, और ये लोग कर रहे हैं। लेकिन अब जब इसराइल ने इनको अब जवाब दिया है, तो हो सकता है कि कुछ फ़र्क पड़े, क्योंकि बंदरगाह उड़ा दिया है, तो कहीं ना कहीं
अब इनको हथियार मिलने में थोड़ी तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब चीज़ें बनी होती हैं तब तो ईज़िली चीज़ें मिल जाती हैं, जब कोई चीज़ें वहाँ सब कनेक्शन ही कट हो गया है तो फिर थोड़ा दिक्कत होगी मिलने में। ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, मिलेगा तो अभी भी उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ये थोड़ी दिक्कत आएगी। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि इसराइल की ये नीति है कि कोई कुछ भी कहे कहता रहे, लेकिन इनको जो काम करना ये अपना काम कर देंगे, और इनके लिए इनके जो भी नागरिक हैं उनका जीवन कितना ज़्यादा महत्व रखता है ये इससे देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन 1800 किलोमीटर दूर जाकर और इन्होंने वो चीज़ बर्बाद कर दी, उस देश के अंदर इन्होंने जाकर पूरी तरह से नस्तोनाबाद नाबूद कर दिया एयर सी पोर्ट को। ये बता दें कि इसमें यमन की सरकार नहीं शामिल है, यमन में कुछ ऐसे आतंकवादी हैं जो चाहते हैं कि हमें पूरे यमन पे कब्जा हो जाए और यहाँ से सरकार हट जाए, ऐसा वो चाहते हैं। अब दोस्तों ये अब वो क्या पूरी चीज़ कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये तो भविष्य में पता लगेगा, लेकिन अभी की न्यूज़ यही थी दोस्तों मैं आपके लिए ले आया। अब इस पर कुछ और अगर अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।